तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लेके आए बहुत ही खास वीडियो आपके लिए कि अगर आप लोग चाहे सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर इंटर आप कोई सी क्लास में हैं और आप अगर जो बुक पढ़ रहे हैं अगर आपने उसको बुक को नहीं पढ़ा सिर्फ आप पास हो गए हैं तो आप लोग बहुत बड़ी गलती करके आ रहे हैं। तो अगर आप जॉब लेंगे या आप किसी वैकेंसी तैयारी करेंगे तो आपके लिए दोबारा इस बुक को पढ़ना पड़ेगा। अगर ये बुक नहीं पढ़ेंगे तो इसके आधार पर वो कोई और बंदी है उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर कोर्स इसी का होगा, इसी की नॉलेज को वो है ना, इसी नॉलेज को हम कहीं और मतलब जो कुछ लोग होते हैं उसको और के लिख देते हैं उसके लिए और बुक में, तो है ना मतलब कि जो नॉलेज होती है मेन नॉलेज होती है वो यहाँ से कट के निकलती है बुकों से। ओके क्योंकि जो वैकेंसी निकलती है उससे निकल के उससे वो चीज़ जो वैकेंसी होती है उसी के आधार पर ये बुकों का है ना जो एरिया होता है उसको निकालते हैं, उस पॉइंट को एक उससे निकालते हैं और वहाँ बनती है जो भी वैकेंसी आती है। उसकी बात अभी उसकी बात अभी हम करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है कि अगर आप लोगों ने ये एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है और ये जो जो बुकें हमें है ना स्कूल से मिलती हैं, है ना, अगर आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको जो बुक है ना आपको जो बुक मिलती हैं या फिर आपके स्कूल में है ना क्या बोलते हैं जो जो ये बुक होती है वाली दिखा देता हूँ आपके लिए एक बार, जैसे आप लोग कन्फ्यूज ना हो। जो सर्व शिक्षा अभियान वाली बुक होती है ये देखो, ये वाली बुकें हैं जो है ना, तो ये बुक जो होती हैं आपको सुनते हो ये वाली बुक चलती होंगी, ये बुक है ना, ये बुक है भूगोल की, क्लियर इस प्रकार से। ओके ऐसे ये बुक हो गई आपकी हिस्ट्री की, है ना, तो ये बुक हैं। अगर आप लोग जो हैं इन बुकों को अगर नहीं पढ़ते हैं बच्चों, अगर इन बुकों को आप लोग नहीं पढ़ते तो बच्चों आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि आपको ये बुक पढ़ना पड़ेगा। वरना आप लोग अगर तैयारी करना है वैकेंसी की तो आपको दोबारा आपको जो ट्वेल्थ कर लेंगे दोबारा आपको इन बुकों की और आना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है हम लोग इन बुक को नहीं पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं कोई एक नई बुक आती है, हम अगर मान लीजिए कि हम कोई कोई जॉब तैयारी कर रहे हैं जैसे मतलब पैट है, तो पैट का जो कोर्स है उस हिसाब से हम पैट का ले लेंगे, उसका सिलेबस ले लेंगे। लेकिन वो जो क्वेश्चन उसमें आते हैं वो आते यहाँ से ही है, मेन सोर्स उसका यही है, मेन स्रोत जो क्वेश्चन का है वो यहीं से है। लेकिन जो नई नई बुक बनती हैं तो वो उसी हिसाब से उस बुक को इस बुक की जो नॉलेज है उसको काट के है ना अलग बुक में पेस्ट कर देते हैं, कट करके अलग बुक में पेस्ट कर देते हैं जो मतलब जो जॉब की डिमांड है उस प्रकार से। ओके है ना, लेकिन जो मेन जो है जो मेन सोर्स है जो मेन स्रोत है वो एनसीईआरटी का ही है। अगर एक बार अगर आप लोगों ने बच्चों ये बुक पढ़ ली एनसीईआरटी की तो आप लोग कोई वैकेंसी ले सकते हैं। आप कैसे ले सकते हैं और नहीं पढ़ रहे हैं तो गलतियाँ कहाँ होंगी, इस चीज़ को आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को, ये कोई भी चीज़ आप लोग स्किप ना करें। तो मैं चीज़ तो क्या है एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी बुक कौन सी होती हैं, एनसीईआरटी बुक जो होती है देखो कहीं पर चलती वाली बुक चलती है, आपको दिखाया मैंने आपको दिखाया अभी कहीं चलती वो वाली बुक है और कहीं चलती है ये वाली बुक है। देखो ये है, ओके ये देखो बुक एनसीईआरटी होती है ना, तो ये बुक है किसी स्कूल में ये बुक चलती है, ये सेवन्थ की ये एट्थ की। ओके ऐसे ही हिस्ट्री बुक भी होगी, और देखो ये बुक हिस्ट्री की है, ये बुक हिस्ट्री बुक एट्थ की है और ये सेवन्थ की है। ओके और सिक्स की बुक अभी नहीं है। ओके फिलहाल देखो ये बुक एनसीईआरटी की है और इस प्रकार से जो है नाइन्थ टेंथ दिखा देता हूँ आपके लिए, फिर आप फिर हम बात करते हैं आगे के लिए। कहीं पर आपको है ना देखो नाइन्थ में आप लोगों देखो आप लोग नाइन्थ में आप लोगों की एनसीईआरटी लगी हुई पहले से ही, नाइन्थ में जो है आपकी ये लगी हुई है बुक, तो आप तो देखो इसको पढ़ना ही पड़ेगा चाहे आप कोई स्कूल में सही, ये आपकी आप लोग हिंदी से कर रहे हैं तो आपको ये हिंदी में होगी और इंग्लिश से कर रहे हैं तो आपकी ये बुक की नॉलेज इंग्लिश में होगी, बस बस जो है भाषा का अंतर होगा बाकी नॉलेज सेम होगी एनसीईआरटी की। ओके तो ये है बुक, अगली बुक हमारी ये है टेंथ की, किसकी है भूगोल की। ओके इसी प्रकार से जो है नाइन्थ की बुक जो हमारी है हिस्ट्री की वो ये वाली है भारत और समकालीन विश्व, ऐसे ही टेंथ की बुक है वो ये वाली है, क्लियर। तो अब जब बात करते हैं और फर्स्ट ईयर की और ट्वेल्थ की बुक रखी हुई है उसको हमने निकाला नहीं है क्योंकि है ना अगर हम वो सारी बुक निकालेंगे तो वहाँ पर टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल आप लोग समझ गए होंगे कि ये बुक एनसीईआरटी की हैं और ये बुकें होती हैं जो स्कूल से मिलती हैं, लेकिन दोनों में ज़्यादा जो मतलब दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं होता है, तो नॉलेज सेम होती है। लेकिन जो है जो एनसीईआरटी बुक हैं जो एनसीईआरटी जो बुक है और एनसीईआरटी बुक जो है और ये बुक और होगी यहाँ पर दिखा दो आपके लिए, जैसे आपका डाउट हंड टू हंड क्लियर होता रहे। ये बुक देखो इन बुकों में जानते हो इन बुकों में ऐसे लिखा हुआ है, इन बुकों में ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि इसको आप अगर खुद से पढ़ेंगे तभी आप इसको समझ लेंगे, इसकी लैंग्वेज ईजी होती है और इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा देखो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ये है, लेकिन बुक तो समझ में आ जाएगी, आप अगर खुद से पढ़ेंगे तो बुक समझ में आपको आ जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है इसकी लैंग्वेज थोड़ी ईजी होती है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी मतलब थोड़ी टफ होती है, बस इतना अंतर है। बाकी बाकी देखो जो नॉलेज है वो सेम रहती है, वो थोड़ा बहुत देखो देखो किसी बुक में देखो थोड़ी नॉलेज ज़्यादा होती है किसी में कम होती है ना। तो फिलहाल जो मेन पॉइंट है क्या है, देखो अगर आपकी एनसीईआरटी क्लियर है पहले सुनिए अब जरा पॉइंट वाइज अब आती है, अगर आपकी सिक्स से लेके टेन तक सिक्स से लेकर टेन तक किसकी हिस्ट्री, हिस्ट्री बोलते इतिहास
क्लियर। ज्योग्राफी, भूगोल, ओके, क्या चीज, भूगोल। इसी प्रकार से जो है हमारा पॉलिटी बुक, हमारी पॉलिटी, ओके, इको, इकोनॉमिक्स यानी कि राजनीति और अर्थशास्त्र, और राजनीति शास्त्र, राजनीति मतलब आप सोच रहे होंगे जो बात भी राजनीति होती है, यानी कि सिविक्स की बुक को इसमें लगा दिया गया है। सिविक्स मतलब ओके नागरिक शास्त्र की बुक है, उसमें उसको लगा दिया गया। लेकिन आपकी देखो अगर आपकी चार बुक ये वाली और आपकी एक बुक होती है साइंस टेक वाली, यानी कि आपकी देखो वो उसको होती है साइंस वाली, वो बुक साइंस की और मैथ की, ओके। अगर बच्चों आपका ये वाली छः बुक आपके अगर तैयार हैं, आपकी कहाँ से छः बुक अगर आपकी तैयार हैं सिक्स से लेके और टेन तक, बच्चों सिक्स से लेके टेन तक आपकी छः बुक तैयार हैं, तो बच्चों आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ओके। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी तो क्यों, तो कैसे, क्योंकि जितने ही बच्चों एग्जाम अब तक जितने भी एग्जाम बने हैं अब तक, वो बहुत ही ईजी बने हैं, ओके, बहुत ही क्या बने हैं, इजी बने हैं। क्यों, क्योंकि देखो सारे एग्जाम जो हैं नॉलेज इसलिए है, क्योंकि इजी इसलिए हैं क्योंकि सारी नॉलेज जो है इन बुकों से आती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्कूलों में जो होता है या फिर हम लोग जो हैं इस बुक को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। अगर स्कूल के सर हैं अगर ठीक से पढ़ा रहे हैं तो हम लोग इस बुक को सही से नहीं पढ़ते हैं, फोकस नहीं होता हमारा उस टाइम पर, हम लोग गलती करते हैं। लेकिन क्या है, आप लोगों को अगर आपको कोई जॉब चाहिए होगी तो आपको ये वाली बुक पढ़नी होगी, आप लोग इस बुक को पढ़ना होगा, क्योंकि सारी बुकों का सारी जगह कोर्स यहीं से निकलता है, क्लियर। तो आप लोग इस बुक को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपको पढ़ना ही होगा। अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे, आप जॉब लेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना जरूर होगा आपको। आप ये सोच रहे हैं अगर आप जॉब लेने जा रहे हैं और आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप ये सोच रहे हैं कि हम जॉब ले लेंगे, ऐसा है ही नहीं कि आपको ये पढ़ना ही होगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि ये एनसीईआरटी जो है, अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर पैट का एग्ज़ाम है, पैट का एग्ज़ाम निकला या कोई भी लेखपाली का एग्ज़ाम है या कोई भी देखो एग्जाम निकलता है, सी ग्रेड का डी ग्रेड का एग्जाम निकलता है, तो उसमें जो है इसकी अगर पैट का एग्ज़ाम है तो पैट के जो एरिया है, पैट का जो सिलेबस है, उसके हिसाब से है ना। अगर ऐसे मान लो कि मैं हूँ, मैंने देखा कि पैट का सिलेबस ये है, तो उस हिसाब से मैं जो है अपने टीचर से उसको छटवाऊंगा और उस क्वेश्चन को प्रिंट करवा के उसका नाम लिख के पैट है ना, और उसको 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 मैं जो है मार्केट में निकाल दूंगा उस बुक के लिए, तो है ना, तो वो चीज़ है वो पैट नाम से बिकेगी। लेकिन उसकी मैंने जो नॉलेज ली है वो एनसीईआरटी बुकों से ली है, जो हाथ की जो बुक थी सिक्स से टेंथ तक की, वहाँ से मैंने उस नॉलेज को लिया है, वहाँ से क्वेश्चन बनाए हैं, उसको लिखा मैंने अलग, और उसको जो है मैंने प्रिंट करवाया, फिर यहाँ छपवा दिया, और ये बन गई बुक बन गई हमारी पैट की, किस पर, एनसीईआरटी आधारित होता है ये, है ना, या फिर एनसीईआरटी बेस या एनसीईआरटी आधारित, तो ऐसे बुक बनती है ये वाली, क्लियर। तो एक बार आपको ये बुक सही से पढ़नी होगी, क्योंकि देखो अगर एक चीज़ बता रहा हूँ आपके लिए, अगर आप लोगों ने सिक्स से लेकर टेंथ या फिर ट्वेल्थ तक, और अगर सिक्स से लेकर ट्वेल्थ आपने कर ली, तो आप लोग बच्चों है ना यूपीएससी का उसका प्री का, यूपीएससी प्री का जो फर्स्ट पेपर होता है जीएस वन, उसमें सारा का सारा कोर्स बच्चों जीएस वन का आता है, ओके। अगर आपको नहीं बताओ कि है ना यूपीएससी क्या होता है, देखो आपने देखा होगा कि आपके जिला में जो डीएम होते हैं है ना, आपके जिला में डीएम होते हैं, जो कलेक्टर होते हैं, यहाँ पर जो है ना डीएम से नीचे अधिकारी होते हैं, उसमें उस एग्जाम में भी बच्चों एनसीईआरटी ही मेन रोल अदा करती हैं, क्योंकि मेन क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं, ओके, किसके, प्री के, क्लियर। और अगर आप कोई भी अगर आप मान लीजिए आप कोई है ना मतलब कि कोई छोटी वैकेंसी कर रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आएंगे। तो आप लोग जब सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ में आप ये कर रहे हैं, तो एक बार आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लें बच्चों, तभी आपका ये कोर्स हो पाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये बुक बनती हैं तो ऐसी बनती हैं। ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो ये है कि वो बहुत ही फेमस है सामान्य ज्ञान है ना, ये बुक देखो लूसेंट की है, और अगर आपने इस बुक को कर लिया तो है ना इससे अधिकांश क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। तो क्या है, ये बुक भी जो है एनसीईआरटी की जो बुक है, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की और साइंस की है ना, और इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर है, थोड़ा सा बुक इसमें थोड़ा सा एरिया और एड है इसमें, उसके बाद युग है ना इसको मिक्स करके बनी है बुक है ना, तो ये है ना, तो अधिकांश बच्चे जो हैं इसको पढ़ते हैं। तो ये भी एक बेस्ट बुक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन है ना जी है ना ये बुक मेरा मतलब बात कहनी है, मतलब यहाँ पर ये अर्थ है कि ऐसी है ना जो एनसीईआरटी से बन के, एनसीईआरटी जो खास क्वेश्चन निकाल के हम बुक बना देते हैं ये लोग, तो ना बुझी आपको मिलती बुक है, तो लेकिन है ना जो बुक बनती हैं वो एनसीईआरटी से बनती हैं इन बुकों से ही। तो कुल मिलाकर ये आप लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ते भी हैं, क्लास में भी हैं, तो एक बार इन बुकों को अच्छे से पढ़ लें, आपको इन जो बुक दिखाई हैं उसको अच्छे से पढ़ लें। लेकिन अगर आप लोग है ना किसी बड़ी क्लास में हैं, तो देखो अगर आप लोग सी ए डिग्री तैयारी कर रहे हैं तो उसको पढ़ लें अच्छे से, ये बुक अच्छी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है इसमें भी। लेकिन फिलहाल जो मेन पॉइंट है हमारा,
अगर आप लोगों ने जिन बुक को नहीं पढ़ा है, किसी कारण से आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, आपको पढ़ाया नहीं गया है, तो आपको कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम जो है वर्ड टू वर्ड इन बुकों को पढ़ा रहे हैं। ओके, हम इन बुकों को अभी आपके तैयार चले, आपकी जो ट्रैक है वो बना रहे हैं, है ना। तो क्या है, इस इन बुकों को हम लेकर आएंगे। आप लोग डरिए मत, आप लोग जो सिक्स में से सेवन्थ में जाइए, बस आप लोग जो है मुझे अपनी क्लास लिख के भेजिए, है ना, क्लास लिख के भेज दीजिए कि हम इस क्लास में हैं, तो उस हिसाब से हम आपका कोर्स कराते हुए चलेंगे, है ना। और जिस क्लास के अधिक बच्चे हुए उस कोर्स को हम लेकर चलेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हमारा जो है हम सिक्स से पूरा कोर्स शुरू कर रहे हैं, सिक्स से हम पूरा कोर्स शुरू कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं, जो है ना, जो सिक्स में हैं, जो या फिर जो बच्चे पाँचवीं क्लास पास करके सिक्स में आए हैं, सेवन्थ में आए हैं, तो उनको ये बुक है ना स्कूल में शायद नहीं पढ़ाया जाता है, और या फिर पढ़ाया जाता है तो और बच्चों को देखते हुए उनका कोर्स इतना जो कोर्स में है अंदर गहराई है वो चीज़ शायद नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपको डीपली नहीं पढ़ाएगा। तो इस चीज़ को हम डीपली एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड बहुत अच्छे समझाएंगे बुक को। तो आप लोग एक बार है ना, आप लोग देखते रहिए, क्योंकि ये कोर्स हम लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस बुक को जो है सेम टू सेम आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाएंगे और जो समझाएंगे अच्छे तरीके से, इसके बाद आपको इन बुकों में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा बच्चों। तो कुल मिलाकर ये है, पहला पॉइंट हमारा है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसको हम पढ़ाएंगे, आप लोग वहाँ देख ले, और उसके बावजूद भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप लोग इसके क्वेश्चन, आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्वेश्चन इसके स्कूल में कीजिए, जिससे कि आपको इसका ज्ञान हो जाए, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं जॉब, आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं जॉब के लिए। अगर आपको जॉब लेनी होगी तो आपको दोबारा ये बुकों में पढ़ना होगा। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो ये बुक है इसको पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे इसके, अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो ऐसी कोई और बुक होगी जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन के आए होंगे वहाँ से, उसको पढ़ेंगे। अगर आपको जॉब लेनी होगी तो आप लोगों को ये करना होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं। देखो, रेलवे है, पैट है, डी ग्रेड का, सी ग्रेड का कोई वैकेंसी है ना, तो उसका इसमें से आते हैं क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर बच्चों ये आप लोग इसको स्किप ना करें, अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो उसको पढ़ना होगा। और आपको दिक्कत आ रही है, स्कूल में भी शायद नहीं पढ़ाया जा रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इसको हम हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसकी क्लास लाइव भी चलेगी, ऑफलाइन भी होगी, ऑनलाइन भी होगी। आपको कोई दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट करते रहें, और जो बच्चे लोकल के हैं मुझसे यहाँ आकर मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, क्लियर। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। ओके, तो हम बहुत जल्दी ही इसका बैच शुरू करने वाले हैं, और आप लोग खुद से पढ़ लीजिए इसको। थैंक यू बच्चों।